वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एक और नई भर्ती के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार कितने नंबर ऑफ पोस्टेज है, टोटल है 600। कहाँ पर है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी होगी, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये भर्ती है भारतीय सेना में पोर्टर की। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉमेंट आ रहे थे कि पोर्टर की भर्ती इस बार कब आ रही, कैसे आ रही, कितनी पोस्ट होंगी। लीजिए आपके सामने ये भर्ती है, चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों के लिए जो भर्ती को लिए धारचूला पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो अवधि होगी यानी कि 179 डेज की टोटल होगी। हालांकि ये एक्सटेंशन होते रहता है, बार बार इनकी जो है वैकेंसीज आती रहती हैं, जिसमें जो पदों की संख्या टोटल 600 है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मेन ट्रेड्समैन 51 और पोर्टर और सफाई वाले मिला के 549, यानी कि जो कुल मिला के टोटल भर्ती है वो 600 पदों पर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या आपके शारीरिक मापदंड होने चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। किस दिन भर्ती होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, भारत और नेपाल प्लस भूटान के आप नागरिक होने चाहिए, हालांकि भारत के ही काफ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, जो 6 जून 2022 को जो आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जो है 40 ईयर आपकी जो है एज होनी चाहिए। उसके अलावा जो शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, हष्ट एंड पुष्ट दोनों होने चाहिए। उसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको जो दिया जाएगा 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलो, यहाँ पर जो है आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको पास करनी होगी। और जो भर्ती होगी कहाँ पे होगी और किस डेट पे होगी, आप देख सकते हैं 25 मई से लेकर 29 मई को जो है 6 बजे से यहाँ पर स्टार्ट होगी। कहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे, यहाँ पर ये अभी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर होगी, जो इनकी धारचूला स्थित जो इनका हेडक्वार्टर है वहीं पर यहाँ पर होगी। हालाँकि आप उसको एड्रेस गूगल भी कर सकते हैं और आप सभी को इसका एड्रेस पता होगा। बाकी मैं डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरीज में पोस्ट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो भर्ती में यानी जिस दिन भर्ती होगी 25 मई से लेकर 29 मई, तो यानी कि 4 दिन का आपके पास समय है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्वयं के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स, और उसके अलावा जो आपको लेके जाना है कि राजपत्र अधिकारी द्वारा चरित प्रमाण पत्र जो कि 1 जनवरी 2022 के बाद जारी किया गया हो, यानी कि लगभग चरित प्रमाण पत्र 6 महीने उसकी वैलिडिटी होती है, कहीं कहीं पर 1 साल के लिए भी वैलिडिटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आगे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मूल जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, यानी कि हालांकि अगर हाई स्कूल के बर्थ में ही हो जाता है वो तो एक दिन एक्स्ट्रा बनाओ तो ले जा सकते हैं। उसके अलावा पहचान पत्र, कोई आईडी प्रूफ, उसके अलावा निकटतम पुलिस थाने से पुलिस जांच प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपराधी वगैरह ना हो, ठीक है। उसके अलावा राजपत्र अधिकारी द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके अलावा ऊपर दर्शाया गया प्रमाण पत्र में से कुछ भी कमी पाने पर जो है आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहां पर सैलरी जो है क्या क्या होने वाली है आपको। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया मेट और ट्रेड्समैन की 51 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये आपको दी जाएगी। उसके अलावा दैनिक भत्ता जो है 7,200, उसके अलावा फील्ड एरिया या हाई एल्टीट्यूड एरिया से मिलाकर टोटल जो आपको दी जाएगी 27,900 जो यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी होगी। उसके अलावा पोर्टर और सफाई वाले की जो 549 पोस्ट निकली हुई है अलग अलग, उसके लिए 18,000 मूल वेतन। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की सैलरी जो है यहाँ पर लगभग सेम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर व्यक्ति को 6 दिन के निरंतर अवधि करने पर 1 दिन का यहाँ पर ऑफ दिया जाएगा। आई थिंक सन्डे बिना अवकाश के अनुपस्थित होने पर वेतन में कटौती की जाएगी। 7 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर व्यक्ति की सेवाएं लगभग समाप्त कर जाएंगे। आई थिंक ये टर्म्स एंड कंडीशन और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। उसके अलावा वस्त्र, चयनित व्यक्ति को 0 डिग्री से उससे कम तापमान में काम करना पड़ सकता है। अर्थात अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने साथ सर्दियों के पहनने और ओढ़ने के कपड़े लेकर स्वयं जाए। तो ये रही सारी डिटेल, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक के बटन को दबा दो और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि पोर्टर की भर्ती कब आ रही लीजिए, फाइनली यहाँ पर आ गए 600 पदों पर भर्ती। इस बार ज़्यादा मात्रा में आई, पिछली बार आई थिंक लगभग 300 या 400 के आसपास आई थी। तो जैसे भी अपडेट आती रहती है हम रेगुलर आप तक पहुँचाते रहें। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।